हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू हिमरक्षक। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे जीके के नेक्स्ट मॉक टेस्ट की। चलिए मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31, मीन सीरियल नंबर फर्स्ट ही होगा ये, ठीक है। चलो पढ़िए क्वेश्चन क्या है। पचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है पढ़िए। केवल लिमजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है? मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, आसाम? उम्मीद करता हूँ आपको ये जरूर आता होगा। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, मणिपुर में है। यदि आपको ये पूछ लिया जाए कि मणिपुर में किस ज़िले में है तो आपका मोरंग ज़िले में है, ठीक है। किस ज़िले में? मोरंग ज़िले में। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन्स सीरियल नंबर 33। क्या है क्वेश्चन? नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा या असम? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, कर्नाटक में है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34। क्या है 34th क्वेश्चन? भारत में वर्षा बर्ण पाए जाते हैं मध्य भारत में, पूर्वी घाट में या आपका उत्तर पूर्वी हिमालय पश्चिमी घाट में, उत्तर पश्चिमी हिमालय और पूर्वी घाट में? तो आपने अभी तक इसका जवाब ज़रूर दे दिया होगा। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन पुट हो तो आप वीडियो को पॉज किया करिए, ठीक है। पॉज करके जवाब दिया करिए, सोचिए और जवाब देने की कोशिश करें। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35th, मेन सीरियल नंबर 5th। कुकटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? महाराष्ट्र, JNK, हिमाचल प्रदेश या आपका UK, मीन्स उत्तराखंड, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आंसर की ओर। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ये हमारे हिमाचल में ही है, ठीक है। ट्रिपल स्टार लगा लो बिकॉज ये इससे ही HPGK भी आपका एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्या है क्वेश्चन नंबर 36? जल्दी से पढ़िए और जवाब देने की कोशिश करें। नीति आयोग हैज़ बीन क्रिएटेड इन द प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म मीन्स या फुल एक्सटेंशन ऑफ नीति? बेसिकली आपको नीति की फुल फॉर्म पूछ रहा है ये, ठीक है। ये आयोग कब गठित हुआ था? 2015 में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीम इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, न्यू इंडिया और टीम इंडिया? नाइदर ऑप्शन इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। योजना मैगजीन जो है वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? योजना आयोग, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद, विज्ञान और दृश्य प्रचार निदेशालय, नेक्स्ट है आपका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय? तो उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए मूव करते हैं 38th क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 38th? इन विच ईयर इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी वर स्टार्टेड इन इंडिया? 1951, 1971, 1991 या 2001? उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, 1991। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। विच बैंक वाज अर्लियर कॉल्ड एम्पिरिकल
इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, लगा लीजिए 3 स्टार। इकाउस 3 से 4 एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है। RBI, SBI, UBI, PNB। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही पहले इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। विच बैंक परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1 और 2। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही जवाब है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। तो बताइए आपका स्कोर कितना रहा 10 में से। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, बिकॉज आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।